ये खाना खाते हैं। अब रोने का क्या मतलब? मानता हूं मुझे कल गुस्सा और उसे दिल में रखोगे क्या? मैं सिर्फ नाराज हूं आपसे, नफरत नहीं करता। अब गुस्सा शांत हो गया, पैसे ही तो है, भूल जाइए उसे। आपका बेटा हूं, आपको दुखी नहीं देख सकता पापा। मुझे माफ कर पाओगे? आप क्यों माफी मांग रहे हैं? चलिए चलकर खाते हैं। नहीं। क्यों पापा? जहर पी चुका हूं। क्या कहा आपने? मैंने जहर पी लिया है बेटा। कैसी बात कर रहे हैं? अब तुम्हें कोई शिकायत? पापा क्या हो गया? पापा बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कौन लेता है पापा? तो पूछता था ना बेटा, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि नहीं? सच कहूं तो नहीं? तू शायद जानता नहीं बेटा, तेरी माँ जब बीमार थी डॉक्टर ने कहा एक साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी वो। तुम और तुम्हारी बहन बहुत छोटे थे। कैसे कहता तुमसे कि एक साल में तुम दोनों बिना माँ के हो जाओ? बेटा मैंने हर हरे गहरे लद्दू खहरे से पैसे मांगे। जानता था कि उन सब का उधार मैं नहीं चुका पाऊंगा। तुम्हारी माँ का इलाज करवा के किसी तरह जिंदा रखा। 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। कर्ज मांगने की यही वजह थी, यही बात जो तुम्हें पता नहीं थी बेटा। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किसी के भी पांव में गिरने को, गिड़गिड़ाने को तैयार। जितना पैसा मिलता ले लेता। हिम्मत मत हारना। मैं हूं बेटा तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। आप यहां क्या कर रहे हैं? आप बाहर जाइए। चाचा आपको बात करने से मना किया था ना? अपने बेटे से भी बात नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, आराम करना है आपको। तू चिंता मत कर, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। हम है ना सेल्फी, घबरा मत। भैया पापा कैसे हैं? अभी ठीक है। मैं मिल सकती हूँ? सो रहे हैं अभी। ठीक है, कल सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। पापा अभी सो रहे हैं। मैंने उसे जहर वाली बात नहीं बताई है। तुम भी मत बताना प्लीज। एक सेकंड, चलिए जरा अपना फोन दो, मैं बाद में बात करती हूँ। मेजर ये फोन तकरीबन 10 मिनट से स्विच ऑफ है, मगर इसकी बैटरी अभी तक गर्म है। मतलब इसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड है। दिस फोन इज हैक्ड। मेजर फोन दीजिए सर, अपना नंबर बताइए।